हेलो एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ओ थ्री प्रोफेशनल की वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है मैं आपके साथ पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद एज्यूम किया यूज करने के बाद मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैं होनेसली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इस क्रीम को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए कौन सी स्किन वालों को इसे परचेज करना चाहिए कौन सी स्किन वालों को इसे परचेज नहीं करना चाहिए तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेजिंग की पैकेजिंग इज नॉर्मल ट्यूब फॉर्म की पैकेजिंग में आपको मिल जाएगी फिफ्टी ग्राम की क्वांटिटी और इसका प्राइस रहेगा चार से 500 सौ रुपए के बीच में मैंने इसे चार सौ पचास रुपए में परचेज किया था और ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज करते हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है बट अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो डिस्काउंट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और बट इसका प्राइस 400 से 500 रुपए के बीच में ऑलमोस्ट रहता ही है अगर बजट की बात करें फ्रेंडली की बात करें तो ये बजट फ्रेंडली इतना ज्यादा हम नहीं बोल सकते थोड़े से ओथ्री प्रोफेशनल के प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली ही होते हैं बट इट्स ओके अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो सेकेंड अगर बात की जाए ट्यूब फोर्म पैकेजिंग में है तो ये एक ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट माना जाता है काफी अच्छी पैकेजिंग आती है बिल्कुल भी लीक नहीं करती है तो ट्रैवल फ्रेंडली भी हम इसे बोल सकते हैं अगर आप बात करें इसके बेनिफिट्स के

अन ईवन से टोन बनाने में हेल्प करती है क्योंकि स्किन की जो हमारी स्किन होती है वो सन की हार्मफुल रेज की वजह से इफेक्ट होने की वजह से हमारी स्किन कहीं से डार्क एंड लाइट हो जाती है तो ये हमारी स्किन को टोन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इसी के साथ साथ ये हमारी स्किन की फाइनलाइंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है हमारी स्किन के रिंकल्स को कम करने में हेल्प करती है पिगमेंटेशन एंड डार्क स्कार्स को काफ़ी हद तक फेड करने में हेल्प करती है एंड एस पी एफ थर्टी होने की वजह से आपको डबल डबल क्रीम्स लगाने की कोई नीड नहीं पड़ती है नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉन्स के बारे में यानी कि इसके नुकसान के बारे में साइड इफेक्ट्स के बारे में तो जिन लोगों की स्किन पर ये सूट नहीं करती है उन लोगों की स्किन पर इसे यूज करने के बाद थोड़ी बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है स्किन पर इचिंग होने लग जाती है एलर्जी हो जाती है और आपकी स्किन काफी कंडीशन में जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्वेलिंग भी आ जाती है तो इसे यूज करने से पहले एक पेस्ट टेस्ट जरूर कर लीजिएगा और कुछ केसेस uh, में होता है ऐसा जिनकी स्किन पर ये साइड इफेक्ट रहती है वरना 90 परसेंट लोगों की स्किन पर ये सूट कर जाती है वैसे मैन एंड वुमेन दोनों इसे यूज कर सकते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है या मेंस के लिए है नेक्स्ट अगर बात करें इसे यूज करने का सही तरीका ये है कि आपको मॉर्निंग में इसे यूज करना है तो आप इसे फेस वॉश करने के बाद अच्छे से फेस को ड्राई करके इसे थोड़ा सा मोट लीजिए फेस पे लगाइए एंड थोड़े हल्के हाथों से मसाज करके स्किन में एब्सो होने तक आप इसे मसाज कीजिए एंड सेकंड अगर आप प्रॉपर तरीके से मसाज करते हैं तो आप कभी भी मसाज करते वक्त पाम का इस्तेमाल मत कीजिए फिंगर्स का मसाज कीजिए जिससे कि की स्किन में बहुत अच्छे से ही एब्जॉर्ब हो जाए अगर आप पाम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन और पाम जब आपस में रब होते हैं तो इससे गर्मी हो जाती है थोड़ी हीट बढ़ती है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं एक्ने या पिम्पल्स होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कभी भी फेस पे कुछ अप्लाई करना हो तो कभी भी पाम का यूज ना कीजिए हथेली का प्रयोग ना कीजिए हमेशा फिंगर की हेल्प से फेस पे मसाज कीजिए एंड अगर बात की जाए तो इसकी ऑल ओवर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिए अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इसे परचेज करना है या नहीं करना है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है डेफिनेटली क्योंकि इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं कुछ परसेंट लोगों को ही बिल्कुल सूट नहीं करती है सो so, अभी के लिए इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर